आज हमारी माँ गौरी गोपाल आश्रम में जो है 280 वृद्ध माएं हैं, और आज एक अच्छी खबर मैं आपको दे दूं, 280 हमारी जो वृद्ध माएं हैं, इन माओ में आज हमारी माँ को उनका बेटा लेने के लिए आया है। एक बेटा, कहाँ से आई हो मेरी माँ? मेरठ से। मेरठ से आज आपका बेटा आया है जी। लेने के लिए। हाँ। कितने बेटे हैं आपके? एक ही है। बात कराओ बेटे से। राधे राधे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय भैया, तो आप माँ को लेने आए हो? हाँ जी। सेवा करोगे? हाँ जी। अब तो कोई कष्ट ना दोगे ना? नहीं जी। सेवा करना, क्यों आए हो माँ को लेने? ऐसी ऐसी क्यों? अब सक्षम हो गया जी ने सेवा करने में। हाँ? अब सक्षम हो गया हूँ सेवा करने। अब सक्षम हो गए हैं, चलो भगवान आपको और सक्षम बनाए। आपने माँ की सेवा जो माँ को ले जा रहे हो ना, ये माँ को नहीं, आप साक्षात लक्ष्मी को लेकर के जा रहे हो। लक्ष्मी बरसेगी अब आपके घर में। जो बेटा अपने माँ की सेवा करता है ना, उसे धन धान्य की कमी नहीं होती। हाँ, इसलिए बेटा माँ की सेवा करना है आपको। सेवा करनी, अब भूल तो नहीं जाओगे? नहीं। आपकी पत्नी सेवा करती है आपकी माँ की? बोलना। नहीं करती जी। मैं करूंगा सेवा। आप करना, आपकी पत्नी को भी समझाना। ठीक है। ये माँ है, हम सबको मिलकर सेवा करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। आप अपने बच्चों को भी बोलना कि बेटा चलो दादी के पांव दबाओ, जाओ दादी के पास बैठो। ठीक है। है ना, ये माँ है, साक्षात भगवान है। हाँ, माँ से बात कराओ। मैया, कितने दिन थी आप गौरी गोपाल में? एक साल हो गया। एक साल हो गए। इन एक साल में ये बच्चे से कोई तकलीफ गलती तो नहीं हुई? आप खुश हैं? हाँ। यहाँ की सेवाएं आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई बात। आपको हमने पैसे लेके तो नहीं रखे थे? नहीं। पैसा तो नहीं लिया हमने? नहीं लिया। नहीं लिया। आप खुश हैं? अपनी मर्जी से जा रही हो? अपनी मर्जी से आ जा रही हूँ। नहीं, आज बेटा लेने आया, अपनी मर्जी से जा रही हो आप? हाँ, बेटा लेने आया है, कह रहा है मैं ऐसे नहीं करूँगा, आपको तंग नहीं करूँगा, तो मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, आप आशीर्वाद दीजिएगा ये अपने इस बेटे को भी और अपने उस बेटे को भी, ताकि हम सब बच्चे आप माँ की खूब सेवा करें। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आज, ऐसे बच्चे कम होते हैं। देखो, गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती सब करते हैं, पर ये बच्चा अच्छा है। एक साल बाद ही सही आया तो सही, उन बच्चों से तो बहुत अच्छा है ये बच्चा जिनकी माँ चार चार साल से गौरी गोपाल में है और उनका बेटा आज तक एक बार भी नहीं आया। उनसे बहुत अच्छा बेटा है ये, कि कम से कम एक साल बाद ही सही अपनी माँ को याद तो किया, इसने लेने तो आया। मैं तो चाहता हूँ कि हर बेटा अपनी माँ को रखे और अपनी माँ को भगवान की तरह रखे। माँ, मैं कैसे बताऊँ, छाती फाड़ कर काश मैं हनुमान होता तो बता देता, माँ भगवान होती है, ये बात 100% सत्य है। मैं कैसे समझाऊँ लोगों को, जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते वो बड़े अभागे हैं। ये माँ भगवान है। मैया, अब आप प्रेम पूर्वक रहो। आप लोगों से मैं कहता हूँ कि ईश्वर ने आपको दो पैसे देने लायक बनाया है ना, तो एक माँ हमारी जा रही है, पर अभी भी 280 में एक कम हो गई, 279 माँ अभी वर्तमान में है। आप इन माँओं के लिए, भोजन के लिए, दवाइयों के लिए आप सहारा बनो। आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन? मेरी कोई फैक्ट्री थोड़ी है, मेरा कोई बिजनेस व्यापार थोड़ी है। आप भारतीय जो सहयोग करते हैं, आप भक्त जो सहयोग करते हैं, आपके सहयोग के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं चलती हैं। ईश्वर ने लायक बनाया है तो आप सेवाओं से जरूर जुड़िएगा। भगवान आपको सुखी रखें। गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं के लिए एक बड़ा वृद्धाश्रम बन रहा है, ये वाला, जहां पर 1000 वृद्ध माएं रह सकेंगी। इन माओं के लिए आप भी एक कमरा बनवाकर भेंट कर सकते हैं, माओ को एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को आप गोद ले सकते हैं। इस आश्रम के निर्माण में एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का आप सहयोग कर सकते हैं। यहाँ की सेवाएं जरूर सुनिएगा, जरूर यहाँ आकर देखिएगा और सेवाओं से जुड़िएगा। मुझे सबको भोजन कराना बचपन से ही अच्छा लगता था। हमारे घर में कोई आता था ना, हम लोग बहुत अच्छे से भोजन कराते थे। गांव में कोई संत आता था तो मैं गांव के संतों को पकड़ के घर ले आया करता था, चलो हमारे घर भोजन करना, और संतों को भोजन कराते, इतना मन होता था कि कभी भगवान बड़ा बनाएंगे ना तो संतों के लिए अखंड अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। ये मेरे बचपन का सपना था कि अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी संत आएगा भरपेट भोजन पाएगा। तो देखो, बचपन में इच्छा थी
सच्चे मन से भाव था, उस सच्चे मन के भाव को भगवान ने पूरा किया और आज गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, एक ऐसा अन्य क्षेत्र जहां से कोई भी साधु संत भूखा नहीं जाता, पेट भर भोजन पाते, कोई भूखा नहीं जाता, सबको भोजन मिल जाए ये कोशिश मैं आप लोगों के सामने बैठकर कथा सुनाता हूँ। कथा से जो मुझे मिलता है, आपका योगदान, जो आप दान पुण्य करते हो, वो सारा ले जाके संतों की सेवा में खर्च हो जाता है। हजारों संत रोज आते हैं, भोजन बढ़ता है अखंड और सब लोग संत लोग पाते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी अपनी बेटी बेटे के नाम से एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाओ और आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्न क्षेत्र, संतों को रहने के लिए ना एक छोटा सा संत निवास बनाने की भी आवश्यकता है, वो संत निवास जहाँ पर संत लोग रहकर अपना बुढ़ापा आनंद से गुजारेंगे। संतों के लिए आज जगह नहीं है, आपसे मेरी प्रार्थना है आप लायक हो तो संतों को एक गज दो गज भूमि का आप सहयोग करें ताकि संतों के लिए एक संत निवास बनाया जाए। गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है, आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल भगवान की रसोई का दर्शन किया, कितने लोगों ने प्रसादी पाई रसोई में? गौरी गोपाल भगवान की एक रसोई चलती है जहां सुबह से शाम तक 30,000 25,000 से 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। बताओ ये ईश्वर ने सेवा दे रखी है कि नहीं? भगवान को लगा होगा कि यह दास अनिरुद्ध पैसे का और अन्न का सदुपयोग करता है, ईश्वर ने दास को शायद मैं हर चीज का सदुपयोग करता हूं साहब और जो कहता हूं करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वाणी से झूठ ना निकले, मैं जितना कहता हूं उतना करता हूं, जो कहता हूं वो डंके की चोट में कहता हूं और करता हूं। अच्छा आप बताओ मेरी कछनी और मेरी करनी एक है या अलग अलग है? उत्तर दो आप। मेरा कहना और मेरा करना एक है या अलग अलग है? जो हम कहते हैं टीवी पर वो यहां है या नहीं? तो देखो हम असत्य नहीं कहते, हमें इस काम के लिए भगवान ने चुना है कि गौरी को वृंदावन में कोई आ जाए, भरपेट भोजन की व्यवस्था वृंदावन में नहीं थी, इसलिए गौरी गोपाल भगवान ने बिहारी जी ने दास को ये सेवा दी कि वृंदावन में कोई भी भक्त आए भूखा ना सोए भूखा ना रहे। अखंड रसोई सवेरे 8 से लेकर 8 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक रसोई चलती है, कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन। हाँ या ना? आप भी एक दिन की रसोई बंटवा कर अन्य दान करके पुण्य के भागीदार बनो।